गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम 7वीं कक्षा की कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के बारे में पढ़ेंगे। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, उन्मुक्त मतलब आजाद। इस कविता के रचयिता श्री मंगल सिंह सुमन हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। सबसे पहले हम इसका प्रसंग देखेंगे। प्रसंग: प्रस्तुत काव्य पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत बाग 2 में संकलित हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता से ली गई हैं। इसके रचयिता शिव मंगल सिंह सुमन हैं। इन पंक्तियों में पक्षी मनुष्य से अपनी खुले आसमान में उड़ने की अभिलाषा व्यक्त कर रहे हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, उन्मुक्त मतलब आजाद, पिंजर बंद ना गा पाएंगे। पिंजर बंद, पिंजरे में कैद होकर। पक्षी कहते हैं कि खुले आसमान में उड़ने वाले हम आजाद पक्षी पिंजरे में कैद होकर अपना मधुर गान ना गा सकेंगे। कनक तीलियों से टकराकर, कनक तीलियों सोने की छड़े, पुलकित पंख टूट जाएंगे, पुलकित रोमांचित। भले ही वह पिंजरा सोने का बना हो, हमारे रोमांचित पंख पिंजरे में लगी इन सोने की छड़ों से टकराकर टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, नदियों झरनों का बहता हुआ पानी पीने वाले हम पक्षी पिंजरे में कैद होकर भूख प्यास से मर जाएंगे। कहीं बली है कटुक निबोरी, कटुक कड़वी, निबोरी नीम का फल, कनक कटोरी की मैदा से हमारे लिए पिंजरे में सोने की कटोरी में रखे हुए मैदा से बेहतर कड़वी निबोरी है। वाह, कड़वा नीम का फल है। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, स्वर्ण श्रृंखला सोने की जंजीरें, अपनी गति उड़ान से बोले पक्षी कहते हैं कि सोने की इन जंजीरों में बंद कर हम अपनी स्वाभाविक चाल उड़ने के ढंग सब भूल गए हैं। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले, फुनगी पेड़ का सबसे ऊपरी भाग, पेड़ों की फुनगी अर्थात सबसे ऊपरी भाग पर बैठकर मजे से झूलना अब तो हमारे लिए बस सपनों की बात बनकर रह गई है। ऐसे थे अरमान की उड़ते, अरमान इच्छा, नीले नभ की सीमा पाने। इस बंधन में पढ़ने से पहले हमारी भी इच्छा थी कि हम नीले आसमान के अंत तक उड़ें। लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने, तारक तारे, और सूर्य की लाल किरणों के समान अपनी चोंच खोलकर तारों रूपी अनार के दाने चुगते रहे। होती सीमाहीन क्षितिज से, सीमाहीन जिसकी कोई सीमा ना हो, इन पंखों की होड़ा होड़ी, होड़ा होड़ी प्रतियोगिता। पक्षी कहते हैं कि मुक्त रहकर उड़ते हुए हम असीम क्षितिज से मुकाबला करते, अर्थात हम उड़कर वहां पहुंचते जहां क्षितिज समाप्त होता है। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी, सांसों की डोरी मृत्यु को प्राप्त करना, अर्थात हम उड़कर वहां पहुंचते जहां क्षितिज समाप्त होता है। या तो धरती और आकाश का वह काल्पनिक मिलन स्थल हमारे सामने आ जाता या हम उस स्थान को पाने के लिए अपनी जान दे देते।
नीड ना दो चाहे टहनी का नीड घोंसला, आश्रय शिनबिन कर डालो आश्रय सहारा, शिनबिन नष्ट करना। पक्षी हम मनुष्यों से कहते हैं चाहे हमें पेड़ों की शाखाओं पर घोंसले भी ना बनाने दो या फिर हमारे आश्रय स्थल को तहस नहस कर दो, हमें इसकी परवाह नहीं है। लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न ना डालो आकुल बेचैन, विघ्न बाधा या अड़चन। लेकिन जब ईश्वर ने हमें पंख प्रदान किए हैं तो हम उतावले पक्षियों की उड़ान में तुम कोई बाधा या अड़चन मत डालो। ओके स्टूडेंट्स, आज हमने इसका प्रसंग और व्याख्या की है। ऐसे ही आपने इसका प्रसंग जो है नोटबुक के ऊपर करना है, जैसे कि मैंने आपको कर दिखाया है। और नेक्स्ट पेज पर आपने शब्दार्थ नीट एंड क्लीन करने हैं। और इसके बाद आपने वर्कबुक पेज नंबर 51 पर इसके ट्रू फॉल्स करने हैं। थैंक्स।